दोस्तों हमारे फिंगरप्रिंट से हमारा मोबाइल तो अनलॉक हो जाता है, फिंगरप्रिंट से हमारे आधार कार्ड भी बन जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिंगरप्रिंट हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। डॉक्टर हारल्ड कमिंस के अनुसार हमारे फिंगरप्रिंट से हम हमारी ब्रेन की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता कर सकते हैं, और इस टेस्ट को बोला जाता है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट। डॉक्टर हारल्ड कमिंस के अनुसार जब बच्चा मां के पेट में 13 से 21 वीक का होता है तो उसका ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट बनता है जिसको हम सेरिब्रम कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेरिब्रम कॉर्टेक्स, उसके साथ में पैरेलल एक चीज और डिजाइन होती है जिसे बोला जाता है फिंगरप्रिंट्स, लेकिन इसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोला जाता है फिंगर रिजेस। ये रिजेस और सेरिब्रम कॉर्टेक्स दोनों पैरेलल एक साथ डिजाइन होते हैं, इसलिए दोनों के बीच में रिलेशनशिप पाई जाती है, और फिंगरप्रिंट से हम किसी भी इंसान के ब्रेन की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता कर सकते हैं। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।